खुश रहो, अपने दिन की शुरुआत करो। मुझे पता है कि मेरे कुछ बच्चों ने बहुत सी चीज़ें खो दी हैं, कुछ ने अपने बहुत करीब सी चीज़ को भी खोया है। मुझे पता है कि उनके भीतर दर्द है, लेकिन तुम्हें वो किसी न किसी रूप में वापस मिल जाएगा, इसलिए तुम दुखी मत रहो। टूटते हुए रिश्तों को मैं बिखरने नहीं दूंगा, वो संभल जाएंगे, क्योंकि वो डोर मैं थाम कर रखा हूँ। तुम अपना ध्यान रखा करो, अच्छे से सोना है तुम्हें और अच्छे से जीना है। अगर मेरी इज्जत करते हो तो अपनी भी इज्जत करो, अपने शरीर पर ध्यान दो। और मेरे कुछ बच्चे जो बहुत व्याकुल हैं, मैं उन्हें बता दूं कि कोई बाहर से आएगा और तुम्हारी मदद करेगा, इसलिए तुम शांत बैठो। पर हाँ, मेरे नाम पर कोई आए और मदद मांगे, उसे मदद तो ज़रूर करना, पर उसे अपने घर के अंदर मत आने देना। तुम सब पर भरोसा करना चाहते हो, ये मुझे मालूम है, लेकिन उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना। और अपने आप की किसी से तुलना कभी मत करना, क्योंकि तुम अनमोल हो। और जब मेरा व्रत करोगे तो आरती ज़रूर करना, और जो तुम्हें चाहिए ना, वो तुम्हें किसी और के माध्यम से मिल जाएगा, इसलिए व्याकुल मत होना। आज से अपनी इज्जत करना, ये मत सोचना कि तुमसे क्या गलती हुई या तुमने क्या किया या क्या नहीं किया। सोचने की बजाय आज से अपने आप को इज्जत देना शुरू करो, क्योंकि तुम इसके हकदार हो। तुमने क्या देखा है और तुमने क्या सहा है, ये दूसरों को नहीं पता, इसलिए चिंता मत करो कि कोई क्या कह रहा है। और फिर मैंने सब कुछ संभाला हुआ है, फिर चाहे वो तुम्हारी सुरक्षा हो, चाहे पैसों के मामले हो, चाहे बीमारियों से जुड़े मामले हो, चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो। मेरे कुछ बच्चे तो इसलिए भी परेशान हैं कि उन्हें लगता है कि अब उनकी पढ़ाई छुड़वानी पड़ेगी, पर ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। विश्वास रखना, तुमने जितना चाहा है उससे ज़्यादा पाओगे। केवल अपने आप पर और मुझ पर विश्वास रखना। क्या करने जा रहे हो ये बात तुम सिर्फ मुझे बताओ, पूरी दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी से राय लेने की ज़रूरत है। मैं हूँ ना, मैं तुम्हें समझाऊँगा। तुम्हारी हर बात का जवाब दिया है मैंने, तो आगे भी जो पूछोगे मैं तुम्हें दूंगा जवाब और सबसे सही मार्ग दिखाऊंगा। इसलिए मेरे पास आओ, मुझसे पूछो, मैं सब बताऊंगा। और फिर तुम्हें रोज लगता है ना कि मैं कहता तो हूँ पर कुछ चीज़ें मिलती हैं और कुछ चीज़ें नहीं मिलती। पर तुम्हारे घर एक लीला हो रही है, कुछ वक्त के बाद खुद समझ जाओगे क्या हो रहा है। और अगर अभी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो शांत हो जाओ, मैं जो कर रहा हूँ वो करने दो, मुझ पर विश्वास रखो ना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम टूटोगे या बिखरोगे नहीं, बल्कि तुम एक चमकता हुआ सितारा बनकर निकलोगे। हैरान रह जाएंगे सब तुम्हें देखकर। तुम्हें तो आशीर्वाद है मेरा। खुश रहो।